कार मैं इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर। मतलब जब हम कोई भी वॉल का जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर जो कर रहे हैं उसका जो कितना मुझे उसमें जो कितना सीमेंट लगेगा कितना सैंड लगेगा उसका क्वांटिटी कैसे निकालना है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा जो है वाल है, वाल मेरा जो है 6 मीटर उसका लंबाई है और 3 मीटर इसका जो है चौड़ाई है, और ये जो हम जो प्लास्टर करते हुए आ रहे हैं तो इसी प्लास्टर को जो है ये प्लास्टर हो गया मेरा, इस पूरा प्लास्टर जब करेंगे इसका जो मुझे क्वांटिटी कैसे निकालना कितना बैग मेरा इसमें जो सीमेंट लगेगा। तो अगर हम जो है इसका वाल का अगर दोनों साइड करना है तो एक साइड का निकाल लेंगे चाहे एक छोटा सा एरिया के निकाल लेंगे तो उसके बाद जो मुझे जो है सारा का निकल जाएगा। तो हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पे जो 6 मीटर लिए हैं और 3 मीटर लिए हैं और प्लास्टर का थिकनेस जो है थिकनेस ऑफ प्लास्टर जो हम लिए हैं 12 mm। ठीक, थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm हो गया मेरा दोस्तों 0.012 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो है मुझे जो है इसका जो है पहले क्या करना है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, मेरा जो है इस वाल में प्लास्टर कितना लगा उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम के लिए आपको जैसे देखिए इसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और थिकनेस मतलब हाइट दिया हुआ आपका जो है 0.12 मीटर। तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना हो जाएगा, इससे इसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ मेरा है 6 मीटर इंटू ब्रेथ है 3 मीटर, हाइट मतलब थिकनेस है मेरा 0.012 मीटर। तो ये टोटल मेरा हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए 6 × 3 × 0.012 ये हो गया दोस्तों मेरा वॉल्यूम 0.216 मीटर क्यूब। मतलब जो है ये हो गया इतना मीटर क्यूब मुझे जो है प्लास्टर जो है इस वाल में लगेगा। ठीक दोस्तों, और अब बात करते हैं, और ये जो प्लास्टर का जो क्वांटिटी हम निकाले हैं ना ये मेरा जो वेट वॉल्यूम है, तो हम जानते हैं कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए जो है 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है वेट वॉल्यूम इक्वल टू है मेरा 0.216 मीटर क्यूब। तो इसको हमको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना है, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम इनटू 1.33। तो वेट वॉल्यूम मेरा हो गया 0.216 × 1.33 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 0.216 × 1.33 ये हो गया दोस्तों आपका 0.287। इतना 0.287 इतना आपका मीटर क्यूब, ये आपका हो गया ड्राई वॉल्यूम। अब हम जो रेशियोस यूज करेंगे प्लास्टर उसका जो है, तो यहां पे किस रेशियो से यूज कर रहे हैं सीमेंट सैंड रेशियो, सीमेंट सैंड रेशियो फॉर प्लास्टर इक्वल टू 1:6। 1:6 से हम जो है मतलब कि सीमेंट और सैंड का रेशियो ले रहे हैं प्लास्टर में यूज करने के लिए। मतलब यहां पे क्या हो गया 1 पार्ट ऑफ अगर आपका जो है सीमेंट है तो 6 पार्ट ऑफ आपका जो है सैंड रहेगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे जो है सीमेंट का जो है क्वांटिटी निकालना कितना बैग इसमें सीमेंट यूज हुआ। तो देखिए, तो सीमेंट, सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे सीमेंट अगर निकालना हो ये क्या हो जाता है रेशियो ऑफ इसका है
रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सीमेंट सैंड रेशियो इनटू आपका कितना ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, तो ये आपको कितना हो गया। देखिए रेशियो ऑफ सीमेंट क्या है, वन, यहां पे जो है सीमेंट सैंड रेशियो का सम, तो सीमेंट सैंड रेशियो का सम कितना है, तो वन, ये आपका जो है वन और सिक्स, वन प्लस सिक्स सेवन। अब ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम मेरा दिया हुआ 0.287। तो अब ये देखिए कितना आ जाएगा, इसको जो है अगर हम करेंगे तो 1/7 इंटू 0.287, ये हो गया दोस्तों आपका 0.041, 0.041 ये आपका हो गया मीटर क्यूब में, ये हो गया दोस्तों आपका मीटर क्यूब में। हम जानते हैं कि आपका जो है डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको हो गया 1440 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब क्या हो गया कि एक मीटर क्यूब में आपका जो है 1440 केजी आपका जो है सीमेंट आएगा। तो हमको कितना मीटर क्यूब है, 0.41 मीटर क्यूब। तो हमको इस हिसाब से हम जो निकाल लेंगे यहाँ पे जो है, तो एक एम क्यू में आपका 1440 कीजो तो 0.41 एम क्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाए, देखिए तो मेरा हो गया यहाँ पे 1440 इंटू 0.041, यहाँ पे दोस्तों आ गया आपका 59.0। तो यहाँ पे आपका हो गया ये इक्वल टू 59.04 आपका केजी, ये आपका इतना केजी आपका जो है सीमेंट लगेगा। अगर इसको हम बैग में कन्वर्ट करें तो एक बैग में हम, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं कि एक बैग में जब 50 किलो जो है सीमेंट आता है, तो 59.04 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 50, तो कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए तो 1.18, तो ये कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 1.18 आपका बैग, इतना बैग आपका जो है सीमेंट जो है इसमें प्लास्टर में लगेगा, ये आपका 6 मीटर बाय 3 मीटर में। इस तरह से आप जो है, जैसे आपका जितना लंबा हो, अगर आपका 12 मीटर का वाल हो, चाहे हाइट अगर आपका 4 मीटर हो, चाहे हाइट कम हो, उस हिसाब से जो आप जो है निकाल सकते हैं। उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल के, जो वॉल्यूम निकालने के बाद जो है ये वाला जो है यहाँ से आपका जो है फार्मूला चलेगा, इसी रेशियो पर आप जो निकालेंगे तो आपका जो है कितना बैग उसमें लगेगा आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और याद रहे थिकनेस हम जो यहाँ पे लिए हैं 0.12 मीटर, कहीं पे जो आपको 0.015 मीटर भी लेते हैं, कहीं पे 0.025 भी लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे जो मिल गया सीमेंट का कितना 1.18 बैग लगेगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम जो यहाँ पे निकालते हैं सैंड मुझे कितना लगेगा, सैंड निकालिए, इसका फॉर्मूला हो गया रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ सीमेंट सैंड रेशियो, ये हो गया इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो अब इसको जो है पुट कर देंगे, देखिए कितना आएगा, इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ सैंड कितना है, 6 है, सम ऑफ सीमेंट सैंड रेशियो 7 है, इनटू ड्राई वॉल्यूम आपका कितना है, ड्राई वॉल्यूम आपका 0.287 है। ये दोस्तों कितना आ गया, देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 6/7 है ना, 6/7 इंटू 0.287,
तो ये आ गया दोस्तों आपका 0.246, ये आ गया 0.6 by 7 into 0.287, 0.246, 0.246 मीटर क्यूब में, ये सेंड आपका मीटर क्यूब में आ गया। लेकिन हम लोग जो है जो सेंड जो मंगाते हैं वो मंगाते हैं सीएफटी में, ठीक दोस्तों। तो हम जानते हैं कि 1 meter cube इक्वल टू होता है आपका 35.314 सीएफटी। तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट कर देना है, तो हमको पता है वी नो डैट 1 meter cube इक्वल टू 35.314 सीएफटी। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सैंड का क्वांटिटी मेरा कितना हो जाएगा, सैंड इक्वल टू 35.314 इंटू 0.246 मीटर क्यूब हो गया आपका। मतलब क्या हो गया, इससे जो है 1 meter cube में इतना, तो 0.246 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, तो 0.246 इंटू 35.314, देखिए कितना आ गया, ये आ गया 8.68, एक इक्वल टू हो गया आपका दोस्तों 8.68 सीएफटी क्यूबिक फीट। मतलब इतना सीएफटी आपका जो है सैंड आपका इस वाल में जो है लगेगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम समरी की बात करें यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले क्या करना है ना कि हमको जो है जहाँ जितना प्लास्टर मेरा होना है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक दोस्तों। वॉल्यूम निकालने के बाद जो हम जिस रेशियो में जो है यूज़ करना चाह रहे हैं 1:6 रेशियो में, और यहाँ पे 1:4 भी आप ले सकते हैं, तो 1:6 में यूज़ करना चाह रहे हैं तो 1:6 रेशियो के हिसाब से जो हम ये फार्मूला को हम दे देंगे। सीमेंट बराबर क्या होता है, रेशियो ऑफ सीमेंट 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 सेंटर रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये आ जाएगा। हाँ, उससे पहले यहाँ पे जो हमको जो वॉल्यूम निकलेगा वो वेट वॉल्यूम में निकलेगा, वेट वॉल्यूम को हमको चेंज कर देना है ड्राई वॉल्यूम में, ड्राई वॉल्यूम में चेंज कर देंगे तो ये मेरा जो है इंटू कर देंगे 1.33 से, तो मेरा आ जाएगा जितना आपका आएगा उस हिसाब से 0.287 हो गया आपका, जितना वॉल्यूम आएगा उससे 1.33 इंटू कर देना है। उसके बाद हम बात कर सीमेंट का, निकल गया मेरे फॉर्मूला दे करके, और सीमेंट जो हमेशा मीटर क्यूब में रहेगा, तो लेकिन 1 meter cube में मेरा कितना आता है 1440 kg/m³, ठीक दोस्तों। इस हिसाब से जो है तो इतना मीटर क्यूब मेरा आया 0.041, उस हिसाब से जो 1.18 बैग आपका आ गया। इसी तरह से हम जो है सेंड का भी निकाल लेंगे, सेंड का भी वही फॉर्मूला आपका रेशियो ऑफ सेंड बाय सम ऑफ सीमेंट सेंड रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा आपका मीटर क्यूब में। तो लेकिन हम लोग जो है सेंड जो लाते हैं वो आपका जो है सीएफटी में लाते हैं, तो हम लोग को पता है कि 1 meter cube इक्वल 35.314 सीएफटी होता है, उस हिसाब से जो है सेंड सेंड इक्वल टू हो गया 8. तो सेंड निकालना है तो 1 meter cube में 35.314 तो 0.246 मीटर क्यूब में आ जाएगा आपका, इंटू दोनों करेंगे तो 8.68 सीएफटी आपका आ गया, इतना आपका जो है इसमें सेंड लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्लास्टर में जो है सीमेंट और सेंड जो है मतलब कैसे निकालना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है इसको निकाले कैसे हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक दोस्तों। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कर दीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी जो है आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा ना कि जब जब हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, एक और चीज़ आजकल चला है कि मतलब कि हम जो है YouTube में एक नया फंक्शन आया हुआ है कि आप जो है वीडियो बना लीजिए उसको जो अपलोड कर दीजिए, और आपको जो शेड्यूल कर दीजिए और प्रीमायर कर दीजिए कि मतलब कितना दिन बाद जो आपको जो उस वीडियो को पब्लिश करना है। तो आपको जो है इस तरह से हम आप जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैंने जो है बहुत सारा वीडियो को अपलोड करके जो है उसको जो पब्लिश डेट जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद कर दिया,
जिससे कि कंटिन्यू आपको जो है वीडियो मिलता रहा, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। मैं भी जो है जॉब करता हूँ, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक जॉब करता हूँ। उसके बाद जब भी आता हूँ नाइट में उसके बाद जो है मैं शूटिंग करके आप लोग को वीडियो बना करके देता हूँ। ये मेरा जो है काम है। तो अब इसलिए जो है आप जो है ये मैं जैसे ही जो है उसका बेनिफिट भी बता रहा हूँ ना, जैसे ही जो है मैं जैसे आपका जो वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, तो उसमें क्या होगा ना कि जैसे ही मेरा वो वीडियो लाइव होगा, प्रीमायर होगा, तो आपके पास आधा घंटा पहले जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ कि मतलब कि ये जो है आधा घंटा बाद जो है प्रीमायर होने वाला है। उसके बाद फिर जिस टाइम आधा घंटा पहले गया, फिर जिस टाइम वो जो लाइव हो गया उस टाइम फिर आपके पास एक मैसेज जाएगा, तो आप एट ए टाइम जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और ख़ास करके मेरा जितना भी सारा वीडियो है वो आपका जो है 12 बजे दिन में जो है पब्लिश होता है। तो आप हर एक अल्टरनेटिव डे में जो है 12 बजे दिन में जब भी आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिएगा, तो आप जो मेरा वीडियो नया वीडियो देख सकते हैं अल्टरनेटिव डे में। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।